पाइथन में एक फंक्शन होता है मिन फंक्शन। तो ये मिन फंक्शन का काम क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए जो मिन फंक्शन होता है वो हमें मिनिमम जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न करके देता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एन आपका एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, लाइक सपोज कीजिए यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने 8, यहाँ लिखा मैंने 90, यहाँ पर लिखा 777, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो अभी हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं x इज इक्वल टू मिन, ठीक है, ये मिन लिखा हमने। और फिर क्या नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे प्रिंट, और किसको प्रिंट करवा देंगे हम प्रिंट करवाएंगे x को। तो यहां पे x को जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे तो ये तो पहले सेव करने के लिए बोलेगा, तो यहां पे इसको रन करवाने के लिए जाएंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहां डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर लेता हूं और इसका कुछ नाम दे देता हूं, लाइक min.py.py लगाना जरूरी, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब जैसे ही ये रन हुआ तो देख सकते हैं यहां पे 1 आ रहा है, 1 का मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू उसमें 1 है, ठीक है। तो पाइथन में ये मिन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। और यहां पर अगर मैं चेंज कर देता हूं, लाइक यहां पे 0 कर देता हूं, कॉमा दे देता हूं, फिर अगर इसको रन करवाते हैं हम तो क्या आएगा, तो यहां पर देखिए ये दोबारा से रन हो गया है और रिजल्ट में इस बार 0 आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, आगे चल करके और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइथन में एक फंक्शन होता है मिन फंक्शन। तो ये मिन फंक्शन का काम क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए जो मिन फंक्शन होता है वो हमें मिनिमम जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न करके देता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एन आपका एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, लाइक सपोज कीजिए यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने 8, यहाँ लिखा मैंने 90, यहाँ पर लिखा 777, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो अभी हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं x इज इक्वल टू मिन, ठीक है, ये मिन लिखा हमने। और फिर किसको प्रिंट करवाएंगे, तो मान लीजिए a को प्रिंट करवाता हूं, ठीक है, तो ये लिख दिया a और एंटर प्रेस किया, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे प्रिंट, और किसको प्रिंट करवा देंगे हम प्रिंट करवाएंगे x को। तो यहां पे x को जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे तो ये तो पहले सेव करने के लिए बोलेगा, तो यहां पे इसको रन करवाने के लिए जाएंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर लेता हूँ और इसका कुछ नाम दे देता हूँ, लाइक min.py.py लगाना जरूरी, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब जैसे ही ये रन हुआ तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 का मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू उसमें 1 है, ठीक है। तो पाइथन में ये मिन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे 0 कर देता हूँ, कॉमा दे देता हूँ, फिर अगर इसको रन करवाते हैं हम तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये दोबारा से रन हो गया है और रिजल्ट में इस बार 0 आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, आगे चल करके और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।